हेलो गाइस, मेरा नाम है शिजांग बेलवाल और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा हमारे उस फ्रेंड के बारे में जो कि मैंने वीडियो अपलोड करी थी, जिनका एक्सपीरियंस पोको के सर्विस सेंटर के साथ बहुत खराब था। तो ये है हमारे दोस्त अंकित शर्मा जो कि आ गए हैं दोबारा। तो अंकित भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या आपको उस वीडियो के बाद क्या रिजॉल्व जो होना था उस सर्विस सेंटर के थ्रू आपके इशू का, क्या वो हो पाया? कुछ आपको मिला सॉल्यूशन? हाँ, मतलब सॉल्यूशन तो यही है कि मेरे को जो चाहिए था सॉल्यूशन वही मिला। टाइम लगा काफ़ी, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए था पहली बात। गेट और बंद कर ले। अच्छा, तो रेजोल्यूशन तो प्रॉपर मिल गया मेरे को, टाइम कुछ ज़्यादा ही लग गया, लेकिन वो मेरे को लगातार डेली इंसिस्ट कर ही रहे थे कि हम आपको पोको एक्स फोर प्रो ही देंगे, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा इसको रिजॉल्व होने में। तो जैसे तैसे काफ़ी मैंने भी अपनी तरफ से, कहते ना ढीठ बनकर रहने वाली बात, तो मैंने इस फोन के लिए काफी ढीठ बना दिखाया है और तब जाकर ये फोन मेरे को ठीक होकर मिला। और ठीक है, हफ्ते भर में उन्होंने फोन दे दिया सेम मदरबोर्ड चेंज कर कर, तो सही है। तो आपसे कुछ चार्ज किया गया? नहीं, कुछ चार्ज नहीं किया इन्होंने। प्लस कंपनी ने ये चीज एक्सेप्ट करी है कि मोबाइल का मदरबोर्ड है उनका इशू, तो इन्होंने ऑलरेडी इस पे 6 मंथ्स का एक्सटेंड कर दिया हाँ, हुआ है वही मैं पीरियड। आपसे पूछना चाहता था क्योंकि लोगों का आप कंसर्न ये उठ रहा है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं मेरी वीडियो के नीचे कि भाई एग्जैक्टली इसके अंदर कितनी वारंटी मिल रही है, और अब मेरा फोन जो है वो वारंटी से 2 महीने ऊपर आ गया है, तो क्या मुझे वारंटी मिलेगी? तो जैसे कि आपने बताया कंपनी ने 1.5 साल की वारंटी दे दी है, तो 1.5 साल की वारंटी यहाँ पर अगर कंपनी दे रही है तो उस हिसाब से तो सही है, तो उनका फोन ठीक हो जाना चाहिए। तो गाइस, जिस जिसके पास पोको X3 है, X3 प्रो के अंदर ये भी इशू आ रहा है, और अगर आपके फोन में इशू नहीं भी आ रहा तो भी आप उसे सर्विस सेंटर में जाके दिखाइए। और अभी हाँ, और एडिशनली अगर आप सच में कंफर्टेबल हैं तो X4 Pro ले सकते हैं उसके बदले में, क्योंकि हाँ वो ऑफर कर लेकिन रहे हैं X4 Pro, हाँ लेकिन X4 Pro हमारे भाई को नहीं लेना था क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसर लिटरली बहुत छोटा है, बिल्कुल। पैसों में भी ये फोन बड़ा है उससे, और अगर मैं बात करता हूँ कैमरे की तो कैमरे में भी एक लेंस एक्स्ट्रा है, एक लेंस एक्स्ट्रा है, राइट? एग्जैक्टली। तो गाइज यही था, और यही हमारा जो था एक्स पोको वालों ने करा है इनके साथ, तो ये काफी हद तक आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, सेटिस्फाइड तो हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं 10 out of 10 तो नहीं दूंगा इनकी सर्विस को, क्योंकि बहुत बट टाइम सम लगाया, हाउ बहुत टाइम हाँ, लगाया, राइट? तो तो उस बिहाफ में तो मेरे ख्याल से तो आपको जो हुआ ठीक ही हुआ, आपको पुराना फोन वापस दे दिया। अब हाँ गाइस, अब जब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे फोन आपके पास आया तो आपको फील हो रहा है कि जैसे मेरा फोन खुला है कहीं से, लग रहा है कि यार नहीं वो फिट एंड फिनिश जैसे उन्होंने फिट करके दिया है आपको, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जैसे मेरा फोन खुला हुआ है कहीं से हिंज दब रहे हो या कुछ ऐसा फील हो रहा हो? नहीं, एक तो इनकी सर्विस काफ़ी सही लगी मेरे को यही चीज़ देखकर, क्योंकि मैंने सबसे पहले यही चीज़ नोटिस की कि क्या मेरे को कुछ डेंट वगैरह दिख रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे मैं अनकम्फर्टेबल, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नया वाला फील हुआ मेरे को। तो हाँ, सर्विस में क्वालिटी तो है। तो मतलब आप काफी हद तक हाँ सेटिस्फाई हैं। बिल्कुल। तो गाइज यही होता है जब एक कस्टमर है वो आके बिल्कुल ढीठ तरीके से बन जाता है, तो उस बिहाव में उनको ये चीज करनी चाहिए। और अगर आपके साथ भी ऐसा फील होता है और आपको भी ये चीज फेस करने को मिल रही है, तो आप जाके बिल्कुल पोको के स्टोर या MI के स्टोर पे जाके अपनी इस चीज के लिए वारंटी क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय।